भाई आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि उसके बाद शायद मुद्दा बहुत खुल जाएगा। वर्तमान में विपक्ष के अंदर एक तो कोशिश ये हो रही है कि चेहरा कौन, पहली बात। दूसरी बात यहां ये हो रही है जिस तरीके से राहुल गांधी ताबड़तोड़, आप देखिए कि विपक्ष को एक करने के लिए कभी चाय पार्टी कर रहे हैं, कभी उनको अपने यहां पर सदन का जो उनका रूम है वहां बुला रहे हैं, ऐसी जो कोशिशें हैं वो लगातार चल रही है और इस बार की उनकी सक्रियता कुछ दर्शा रही है, ये चर्चा का विषय बनी हुई है। और वहीं दूसरी ओर आप देखें ममता बनर्जी, उनके प्रयास अपने स्तर से अलग चल रहे हैं। और उसके अलावा आज एक और नया बयान अखिलेश यादव जी की पार्टी की तरफ से आया है कि तीसरे मोर्चे का जो चेहरा है वो अखिलेश यादव को होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें वर्तमान में चल रही है। तो ये जो चाय पार्टी है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा दल जो है वो कांग्रेस है और इस बार की जो सक्रियता है वो बता रही है कि कहीं भी कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है, जो वो छतरी है कांग्रेस की उसके नीचे ही आना होगा। कैसे आप देखते हैं जी? गोस्वामी जी, बिल्कुल सही बात है कि संसद के मानसून सत्र में हम लगातार ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी भले ही अपनी पार्टी के अंदर स्थायी अध्यक्ष का मसला न सुलझा पा रहे हों, लेकिन विपक्ष का की एकता के नाम पर खुद को वो अगवा दिखाना जरूर चाहते हैं। आपने जैसा बताया कि संसद के अपने कक्ष में उन्होंने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बुलाया, लेकिन वहाँ एकता जो नजर नहीं आई थी वो आज चाय पार्टी पर नजर आ गई। ममता बनर्जी उस दिन दिल्ली में थी और तृणमूल कांग्रेस का कोई सदस्य संसद में कांग्रेस के कक्ष में मंत्रणा में शामिल नहीं हुआ था, हालांकि आज ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज आपने देखा कि आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग इस चाय पार्टी में शामिल नहीं हुए। तो सबसे पहली बात तो यह है, देखिए आम चुनाव अभी करीब करीब 3 साल दूर हैं और 3 साल का वक्फा बहुत लंबा एक वक्फा होता है, लेकिन उससे पहले 2024 के जब आम चुनाव होंगे उससे पहले अगर आप चुनावी सिनेरियो को देखें तो करीब करीब हर 6 महीने में चुनाव हैं और बड़े बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, जैसे कि यूपी में है अभी, इसके बाद यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, उसके बाद 2022 में गुजरात में है, 2023 की शुरुआत में कर्नाटक में है, 2022 के उत्तरार्ध में हिमाचल में भी चुनाव है। तो 2024 के जो आम चुनाव से पहले इस तरह हर 6 महीने में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में विपक्षी एकता का जो राग अलापने की मानसून सेशन में विपक्षी पार्टियां प्रयास कर रही हैं, मुझे लगता है कि वो 3 साल तक संभला रह पाएगा, इसमें संदेह नजर आता है। क्योंकि अभी आप देखिए कि दिल्ली में पार्लियामेंट है, दिल्ली में विपक्षी एकता के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग हुई, लेकिन आप सरकार जो अदरवाइज राहुल गांधी की आवाज में आवाज, चाहे वो टीकों की कमी हो कोरोना के या और दूसरे मसले हो, उनमें मिलाती रहती है, लेकिन आपका कोई नेता राहुल गांधी की चाय पार्टी में इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि पंजाब में उन्हें इलेक्शन लड़ना है और जाहिर है कि पंजाब में अब इस समय कांग्रेस के अंदर ही गठबंधन सरकार जैसी है, और ऐसे ही राजस्थान में भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है लेकिन विद इन कांग्रेस एक गठबंधन सरकार वहां भी है। तो मुझे लगता है कि विपक्षी एकता को साधने से पहले कांग्रेस को अपनी जो एकता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ पार्टी है कांग्रेस, पंजाब में है, राजस्थान में है, पहले अपने किले को दुरुस्त कर ले, वो ज्यादा मुझे लगता है कि जरूरी है। क्योंकि आम चुनाव में अभी 3 साल है और इस समय जो प्रयास किए जा रहे हैं वो 3 साल तक उनको केंद्रीभूत किए रखना थोड़ा मुश्किल होगा पॉलिटिकली, एक चीज। दूसरी चीज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है लेकिन संसद नहीं चल रही। आप विपक्षी एकता और राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं, जिस दिन मानसून सेशन शुरू हुआ था उसके अगले दिन कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, राहुल गांधी उसमें नहीं गए, बाकायदा ऐसा नहीं था कि नहीं पहुंच पाए, उन्होंने एक दिन पहले मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि वो जमीन पे काम करना चाहते हैं, वो ऐसी किसी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। तो
तो आप संसद के चलते हुए चलते जब संसद चल रही है उस समय क्या देश की जनता के सामने ये प्रतिमान प्रस्तुत करना चाहते हैं? एक संसदीय परंपरा रही है कि संसद की प्रक्रिया के दौरान अखबारों में छपी हुई सामग्री का उल्लेख नहीं किया जाता है, और यहाँ तो एक ऐसी खबर के ऊपर हंगामा मचा हुआ है जो देश के अखबारों में तो प्रमुखता से बहुत नहीं छपी, विदेश के अखबारों ने से प्रोपेगेंडा बना करके एमनेस्टी इंटरनेशनल और एक और जो जो संस्थान है जिसकी क्रेडिबिलिटी बुरी तरह चकनाचूर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके आधार पर एक खबर आती है और आप संसद का सत्र नहीं चलने देते, लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर को बंधक बना के रखते हैं। आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं। गोस्वामी जी, मेरा एक सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से और जो भी विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता इस डिबेट में हैं, क्या उन्हें याद है कि पिछली जेपीसी किस मुद्दे पर गठित हुई थी, और पिछली जेपीसी की जो जांच रिपोर्ट, पिछली जेपीसी की जो अनुशंसा पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत हुई थी, उनके आधार पर जो बिल 2019 में संसद में पारित हुआ था, क्या उसे विपक्ष ने मान लिया? क्या गारंटी है कि अब जेपीसी बन जाएगी और उसके उसके जो नतीजे होंगे वो आपके मन मुताबिक नहीं होंगे तो आप फिर हल्ला नहीं मचाएंगे? ये कैसी असंसदीय परंपरा डाली जा रही है?